मुझे कह जी वो हमारे सहाफियों ने कहा कि देखें जब इमरान खान को भी आप वो उन्होंने तकरीर करने से मना कर दिया तो नवाज शरीफ को भी कर दिया। नवाज शरीफ को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल की तफ्तीश के बाद जब उसकी कोरोना जो पैनामा पेपर्स के अंदर प्रॉपर्टीज अरबों रुपए की पकड़ी गई उसके ऊपर तफ्तीश के बाद उसको डिस्क्वालीफाई किया और सजा दी। मुझे किस चीज पे कह रहे हैं कि जी आपने वो मैजिस्ट्रेट को कह दिया कि वो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और आईजी और डीआईजी उसके ऊपर कह रहे हैं मेरा बंद कर दिया और वो एक ही है। जिस मुल्क के अंदर आपके बड़े बड़े सहाफी ये कहते हैं इसका मतलब चुप चुप प्लीज करके सुनो। जब आपके बड़े बड़े सहाफी ये कहते हैं माशरे के अंदर क्या पैगाम जाता है कि कोई चोरी बुरी चीज करप्शन बुरी चीज नहीं है। आपके घर में कोई डाका मारे क्या आप कहेंगे कि उसके साथ मुफामत करो उसके आके बैठो और आप बातचीत करो? आप कहेंगे उसको जेल में डालो। तो करप्शन तो मुल्क के ऊपर डाका मारा जाता है तो आप उसको कह रहे हैं कि नहीं जी इनसे बैठ के करो। तो मैं सिर्फ इस चीज के ऊपर क्योंकि मैं ज्यादातर तो अपने हमसाया एतजाज आसन से सब चीज से एग्री करता हूं लेकिन इधर मेरे दो दीन के ऊपर तो खैर हमारा मुख्तलिफ व्यूज है लेकिन इसके ऊपर कि आप हर किसी से कॉम्प्रोमाइज पॉलिटिक्स होती है आर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज लेकिन जिस वक्त आप करप्शन से कॉम्प्रोमाइज करते हैं जनरल मुशर्रफ ने जो बिल्कुल सलमान राजा ठीक कह रहा है वो जो एनआरओ दिया था कभी किसी ने एस्टिमेट किया है कि उसका इस मुल्क को कितना बड़ा नुकसान हुआ कि किस तरह करप्शन के दरवाजे खुले कितना मुल्क पीछे गया। मुझे जब गवर्नमेंट में 4 गुना ज्यादा कर्जा हमारा नेशनल डेट बढ़ी 6 ट्रिलियन से पहुंच गई 30 ट्रिलियन पे हमने जो पहला पैसा इकट्ठा किया टैक्स में आधा चला गया उनके लिए हुए कर्जों की किस्तों पे तो मुल्क इधर से चलाना था